गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी AVL क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जहाँ पर मैं ललित राठी आपको NCERT क्लास 9 का मैथमेटिक्स करा रहा हूँ। ठीक है, उसमें हमने अभी तक एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर ली है। एक्सरसाइज 1.3 में 9 क्वेश्चंस थे, वो हमने 3 या 4 वीडियोज़ में कंप्लीट किया है। ठीक है, तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर कहीं पे कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप उसको बेझिझक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसके पे आप व्हाट्सएप करके मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए उसी चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम की नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें जैसे हम स्केल से लाइन खींचते हैं, नंबर लाइन खींचते हैं, उसमें क्या होता है आपका 0 से 15 तक आपको नोटेशंस दी होती हैं। तो अगर हम बोलें वहाँ पर आपको 5 दिखाना है, तो आप लाइन खींचेंगे और 5 पर मार्क कर देंगे, तो वैसे ही आपको कुछ नंबर दिया होगा और उस नंबर को आपको विजुअलाइज़ करना है ऑन द नंबर लाइन। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन, यानी कि मैग्नीफिकेशन की हेल्प से हमें उसको विजुअलाइज करना है नंबर लाइन पर। अब नंबर लाइन क्या है, कुछ नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर स्केल से हमने कोई लाइन खींची, जैसे यहाँ से स्टार्ट होता है 0 से और यहाँ तक जाता है 15 तक, उसके बीच में 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी, 4, 5, 6 ऐसे। तो अगर हमें डायरेक्टली 3 को इंडिकेट करना है, तो हम 3 वाले को हाईलाइट कर देंगे, तो वो आपका 3 क्या हो जाएगा, विजुअलाइज हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या है, कंप्लीट नंबर नहीं होगा, वो आपका डेसिमल नंबर होगा 3.765, और इसको भी हमें मैग्नीफाई करके बताना है। डायरेक्टली भी हम इसको बता सकते हैं, अदरवाइज हमें मैग्नीफाई करके बताना है, छोटी छोटी टर्म्स को बड़ा करके दिखाना है। मैग्नीफाई मतलब जैसे आपने देखा होगा लेंसेज क्या करते हैं, आपकी छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखा देते हैं कुछ लेंसेज। ठीक है, तो उसी हिसाब से चलिए देखते हैं क्या है, कुछ स्टेप्स हैं, फिर मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा कि कैसे हमने उन स्टेप्स को फॉलो करके विजुअलाइज कराया है। स्टेप फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑब्जर्व दैट 3.765 लाई बिटवीन 3 और 4। सबसे पहले हमें जो नंबर दिया हुआ है वो हमें ये देखना है किस नंबर के बीच में लाई करता है। तो यहाँ पर 3.765 यानी कि 3 से ज़्यादा है और 4 से कम है वैल्यू, तो 3 और 4 के बीच में ये लाई करेगा। सो डिवाइड द पोर्शन इंटू 10 इक्वल पार्ट्स, तो हम 3 और 4 खींचेंगे, 3 और 4 एक लाइन खींचेंगे और उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जैसा मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। हमने ये लाइन खींची, नंबर लाइन, ठीक है, इसमें हमने सबसे स्टार्टिंग पॉइंट को 3 से इंडिकेट कर दिया और एंडिंग पॉइंट को 4 से इंडिकेट किया, और इन दोनों के बीच में हमने 10 पार्टीशन कर दिए हैं, ये रहे आपके, ठीक है, जिसमें हमने 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 3.9 के बाद हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, हमने 10 इक्वल्स पार्ट पे डिवाइड कर लिया, इक्वल पार्ट मतलब 3.1, 3.1 से 3.2, फिर 0.1 बढ़े हम, फिर 0.1 बढ़े, फिर 0.1 बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब ये हमने नोटेशन दे दिया। सेकंड स्टेप देखते हैं, नाउ वी ऑब्जर्व दैट वी लोकेट 3.765। अब फिर से दोहरा हम क्या करेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे कि 3.765 ये जो हमने यहाँ पर शो किया है नंबर लाइन में, कहाँ पर जाकर ये या किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा। तो जैसा मैंने यहाँ पर ये दो एरो वाले बीच में बनाए हैं थोड़ा बड़ा, 3.7 और 3.8, तो ये नंबर अब 3.7 और 3.8 के बीच में लाई करेगा, जैसा मैंने लिखा हुआ है बिटवीन 3.7 एंड 3.8। सो डिवाइड दिस पोर्शन इंटू 10 इक्वल पार्ट्स, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही हम अब इस पार्ट को, पहला आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 3.7, यहाँ पर हो जाएगा 3.8, और इनको भी हम 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, पार्ट्स टू गेट मोर एक्यूरेट विजुलाइजेशन। ठीक है, तो चलिए दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे किया हमने। 3.7 हमने यहाँ पर लिखा, 3.8 हमने यहाँ पर लिखा, अब इसको हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 78, 3.79, ऐसे ही 3.79 के बाद आ जाएगा आपका 3.8। तो ये हमने 10 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड कर लिया, लेकिन अभी भी हमें क्या नोटेशन दिखाना है, 3.765। तो अभी एक्यूरेटली हमें नहीं पता चला है, तो फिर से हम क्या करेंगे, इसको
विजुअलाइज़ करेंगे कि हम किन दो नंबर्स के बीच में इसको मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आप देख रहे होंगे 3.76 और 3.77 के बीच में आपका नंबर लाई करता है 3.765। ठीक है, तो अब हम फिर इन दोनों को सेम प्रोसेस से विजुअलाइज़ करके दिखाएंगे। नाउ डिवाइड 3.76 एंड 3.77 इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड लोकेट 3.765 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, अब हम इसको लोकेट कर देंगे 3.765 को नंबर लाइन पर। ठीक है, देख लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, इन दो नंबर्स को हमने क्या किया, और मैग्नीफाई किया 3.76 3.77, और इनको भी 10 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड किया, तो 3.6 3.761 3.763 3.763 3.764 3.765 3.66 3.766 3.768 3.769। ठीक है, हमें कौन सा नंबर नोटेशन दिखाना है, 3.765, तो ये हमें यहाँ पर इस नंबर लाइन पर मिल जाता है। तो हम इजीली इसको क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज़ करा सकते हैं। जैसे मैं आपको अगर तीनों एक साथ दिखा दूँ, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपना जो नंबर उसको विजुअलाइज़ कराना है, उसको हमें चेक करना है कि किन दो नंबर्स के बीच में लाई कर सकता है। यहाँ पर वो 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। अभी 3 और 4 को हमने 10 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड किया, 3.1 3.2 3.3, ऐसे हमने इसको डिवाइड किया। फिर हमने विजुअलाइज़ किया कि हाँ, ये दो कौन से दो नंबर्स हैं जिनके बीच में फिर से ये लाई कर सकता है, दैट्स 3.7 एंड 3.8। तो फिर हमने 3.7 और 3.8 को मैग्नीफाई कर दिया, वही सेम प्रोसेस, उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करके 3.71 3.72 3.73। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि अगर हमें नंबर मिल जाता तो हम यहीं तक करते इसको, अगर नंबर इस नंबर लाइन पर विजुअल नहीं है तो फिर हम चेक करेंगे कि किन दो नंबर्स के बीच में लाई कर सकता है। तो बोथ दीज नंबर्स आर 3.76 3.77। नाउ 3.76 एंड 3.77 ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 10 पार्ट्स फॉर गेटिंग द मोर विजुअलाइजेशन एक्यूरेटली। ठीक है, तो इसलिए हमने 3.76 और 3.77 को फिर से 10 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड किया, और फाइनली वी गेट गिवन नंबर ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऐसे करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिंपली एक बार दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे, इजी हो जाएगा। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है इस एक्सरसाइज का, वो भी आपको विजुअलाइज करके दिखाना है। दैट्स विजुअलाइजिंग 4.26 पे बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 decimal places। इसने बोल दिया है अप टू 4 decimal places, क्योंकि बार का मतलब क्या होता है, मैं आपको बार बार बताता रहा हूँ, 26 बार है, तो इस बार का मतलब ये है कि अगर मैं बार नहीं लिखूँगा, 26 26 26 26, ये कंटिन्यू आपका इनफाइनाइट तक मिलता चला जाएगा। लेकिन उसने बोल दिया कि 4 decimals तक हम इसको इंडिकेट करके दिखाना है, तो आपको इंडिकेशन क्या करना है, केवल इतना 4.2626। ठीक है, जैसा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। ठीक है, केवल हमें यहाँ तक दिखाना है इतना नंबर। तो अब हमें क्या विजुअलाइज करना है, नंबर लाइन पर 4.2626। तो अब सबसे पहला क्या स्टेप हम फॉलो करते हैं कि मेज़र करते हैं कि ये नंबर किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा। तो आप देख रहे होंगे 4 और 5। ठीक है, चलिए मैंने इसमें केवल डायग्राम बनाया, स्टेप्स आपको सेम एज इट इज़ वैसे ही फॉलो करने हैं जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किए। तो हमने पहले विजुअलाइज किया कि किन दो नंबर्स लाइंस के बीच में हमें ये नंबर मिलेगा। ठीक है, तो देख लीजिए 4 और 5। ठीक है, दैट्स 5। अब हमने फिर इस 4 और 5 को 10 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड किया, 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 7 8 9। ठीक है, अब फिर से हम चेक करेंगे कि ये 4.2626 के नंबर के बीच में लाई कर सकता है, तो आपका मिलता है आपको 4.2 और 4.3। ठीक है, फिर से हम 4.2 और 4.3 को वेस्ट मान के इनको 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, देन वी गेट 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29। ठीक है, 10 इक्वल्स पार्ट में फिर से हमने इसको डिवाइड किया। अब चेक करेंगे कि क्या हमारा गिवन नंबर्स हमने नंबर लाइन पर विजुअलाइज करा दिया है। अगर नहीं कराया तो फिर से हम दो नंबर चेक करेंगे कि किन दो नंबर्स के बीच में ये लाई कर सकता है, दैट्स द 4.26 4.27।
ठीक है। फिर से हम इन दो नंबर्स को 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, देन वी गेट 4.26, 4.27, और इक्वली डिवाइड करते हैं इनको। फिर से हम इक्वली डिवाइड करते हैं इनको किस में, 10 पार्ट्स में, 4.26 और 4.27 को। दैट मीन्स 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 0.268, 4.269, ठीक है। चलिए अगर वो क्वेश्चन पे हम देखें, अगर 4.26 बार की जगह पे वो 4.26 सबको देता केवल, तो हमारा 4.26 यहाँ पर देखो, अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता, तो आगे आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं थी, आपका आंसर केवल यहाँ तक हो जाता और फाइनली आप यहाँ विजुलाइज करा चुके हैं उस नंबर को। बट उसने बार दिया है और बोला है कि 4 स्टेप्स तक, डिजिट तक आपको क्या करना है, विजुअलाइज करके दिखाना है, तो इसलिए हम अभी इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी आपको नंबर नहीं मिला है, तो फिर से हम चेक करेंगे कि किन दो नंबर्स के बीच में आपका नंबर लाई कर सकता है, ठीक है। तो वो दो नंबर्स क्या हैं, 4.262 और 4.263, दीज आर द टू नंबर्स बिटवीन दीज नंबर्स लाई और नंबर 4.2626। तो फिर से हम वही करेंगे, लास्ट में 4.262 और 4.263 को 10 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करेंगे, देन वी गेट 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626। आई थिंक यही नंबर हमको क्या करना है, विजुअलाइज करके दिखाना है। दैट मीन्स दिस इज़ द नंबर जो हमने विजुअलाइज कर दिया है नंबर लाइन पर, ठीक है। तो बच्चा पार्टी, ये दो क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 1.4 में, ये दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आपको समझने हैं और प्रैक्टिस करके देखनी है। आप अपनी तरफ से भी कोई भी नंबर लेकर प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। अगर मैं आपको नंबर दूं तो चलिए आपको 5.25 को विजुअलाइज करके दिखाना है नंबर लाइन पर। जो स्टूडेंट समझ में आ गया है जिनको, वो इसको नंबर लाइन पर विजुअलाइज करके मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, 9058830440, ठीक है। चलिए, थैंक यू बच्चा पार्टी, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए।